हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए। आप जानते हैं मित्रों, कल से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया था देना, तो यह क्लास जो है सो प्रतिदिन 4 बजे दिया जाता है भोर में, इसलिए जल्दी से उठें और सुबह क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। तो हमने बताया था मित्रों कि पिछले क्लासों में ज्योग्राफी के बारे में जो कि कृषि से हमने क्वेश्चन दिया था, तो आज जो क्वेश्चन रहेगा अर्थव्यवस्था और जीविका से रहेगा, ठीक है। तो पहले ही हमने क्लास दिया था, पार्ट 12 तक हो गया था, तो पार्ट 13 कल करवाया हमने, तो पार्ट 14 जो है से आज करवाई जा रही है, ठीक है। तो यह जो है से क्लास नंबर 14 है, ठीक है। पार्ट 14 कहने का मतलब क्या हुआ, क्लास नंबर एक अहम है, तो यह 14 क्लास नंबर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी के अगर क्लासें पिछले नहीं किए हैं तो उसको करिए, कंटिन्यू करिए और प्रतिदिन आप देखते जाइए, ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो क्लास में आप जो लोग ज्वाइन हो जाइए, है ना, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों, है ना। फिलहाल अपने दोस्तों को भी आप बता करके बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गया, जितने भी दोस्त हैं उनको बता दीजिए, पहले जो क्लास में आप लोग ज्वाइन होते थे वो कृपया बता दीजिए। शायद बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होगा कि क्लास स्टार्ट हो गया है, इसलिए ज्वाइन जरूर करें, ठीक है, कह दीजिए उन लोगों को, ठीक है। तो भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी मित्रों, जल्दी से बताइए कहाँ स्थापित किया गया था भारत में प्रथम सूती मिल। बात है पहले सूती मिल कब स्थापित किया, कहाँ स्थापित किया गया था मित्र, बताइए जल्दी से, अपने बताइए जल्दी, आंसर कमेंट करें, ठीक है ना, आंसर कमेंट करते रहें मित्रों कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी, ठीक है ना। अब इस तरह से जवाब आप लोग देते रहें मित्रों, लेकिन और दोस्तों के भी शेयर करें, उनको ही क्लास में बुला करके लाए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों कि भारत में पहले जो सूती मिल स्थापित किया था मुंबई में स्थापित किया गया था मित्रों, कब किया गया था, तो 1854 ईस्वी में किया गया था। तब इस बात को ध्यान दीजिएगा मित्रों कि मुंबई में स्थापित किया गया था प्रथम सूती मिल और 1844 में स्थापित किया गया था, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया, मुंबई में। आपसे पूछा है कब स्थापित किया गया, तो 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से आंसर दीजिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से आंसर आप कमेंट करिए मित्रों कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, जल्दी से आंसर कमेंट करें, बताइए जल्दी जल्दी, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, क्या हम्फ्री डेवी किया था या जॉर्ज स्टीफेंस किया था, जेम्स वाट किया था या क्रॉम्पटन किया था, किसने किया था मित्रों सेफ्टी लैंप का आविष्कार, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को याद रखने चाहिए, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, और आपको दिखा दूं कि 2021 के भी एनुअल एग्जाम के सेकंड सीटिंग में भी क्वेश्चन पूछा है, 2019 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सीटिंग में पूछा है, और नहीं तो क्या 2019 के कंपार्टमेंटल में भी एग्जाम में पूछा है। तो इस तरह से 3 एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको याद जरूर करें, आपको भूला नहीं, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सबके सब बिल्कुल अच्छे बेहतरीन है, एग्जाम में आई है, कभी ना कभी एग्जाम में आई है, ठीक है ना। सारा का सारा डेट भी इधर मेंशन किया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है से दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था मित्रों हम्फ्री डेवी किया था, कौन किया था, हम्फ्री डेवी। आपसे पूछा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने कब किया था, तो 1816 ईस्वी में किया था, 1816 ईस्वी मित्रों सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी, किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था, कब किया था, 1816 ईस्वी। जो चीज़ें याद नहीं है उसको आप लिख लीजिए मित्रों और याद कीजिए, ठीक है ना, केवल देखने से नहीं होगा, या फिर 4 से 5 बार वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, आपको स्वतः याद हो जाएगा, ठीक है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, हम्फ्री डेवी ने किया, कब किया था मित्रों, 1816 ईस्वी में सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। बात है पहली सूती मिल कब स्थापित किया गया था मित्रों, 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था, मुंबई में स्थापित किया गया था, सब बात का ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, जल्दी से जवाब दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है, ठीक है। तो 1 मई को मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मनाई जाती है मित्रों 1 मई को मनाई जाती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए मित्रों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी मित्रों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो किया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन का मित्रों जवाब दीजिए, कौन सा सही उत्तर है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना मित्रों जल्दी बताइए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना बताइए, टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना बताइए मित्र, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको टिस्को बोला जाता है मित्रों, यह जो टिस्को की स्थापना हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, और जमशेद जी टाटा ने स्थापित किया था, जमशेद जी टाटा के नाम पर स्थापित हुआ 1907 ईस्वी में, जमशेद जी टाटा के नाम पर स्थापित हुआ था 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेद जी टाटा के नाम पर स्थापित हुई।
पांचवा नंबर क्वेश्चन बताइए मित्रों कि वास्तुचालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। वास्तुचालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था मित्रों किसके द्वारा किया गया था, क्या अब्राहम डर्वी ने किया था, या जेम्स वाट ने किया था, या फिर जॉर्ज स्टीवेंस ने किया था, या रॉबर्ट फुल्टन ने किया था। तो जल्दी से इसका जवाब देंगे मित्रों, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वास्तुचालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था मित्रों, लेकिन कौन किया था जल्दी से बताएंगे। इसी तरह से आप आंसर कमेंट करें, आप लाइव चैट में उत्तर देते रहें, ठीक है ना, लाइव चैट में उत्तर दें, है ना, ओरिजिनल कमेंट ना करें। तो वास्तुचालित रेल इंजन का आविष्कार जो है ऐसे किया गया था मित्रों, जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा किया गया था। जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा वास्तुचालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया, लेकिन आपसे पूछेगा कि वास्तुचालित रेल इंजन का आविष्कार तो किया गया था जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा, लेकिन कब किया गया था, तो यह किया गया था 1814 ईस्वी में किया गया था मित्रों, ध्यान दीजिएगा 1814 ईस्वी में वास्तुचालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। 1816 ईस्वी में क्या हुआ था, सर हम्फ्री डेवी ने क्या किया था, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। उसके बाद 1854 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रथम सूती मिल स्थापित किया गया था मुंबई में। ये सब डेट को आप ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था। अभी मैंने तुरंत बताया कि 1854 ईस्वी में मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया। तो जल्दी से सब आंसर कमेंट करें, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों के बेस्क मत अधिकार कब प्राप्त हुआ था। जल्दी से आंसर कमेंट करें, 5 सेकंड का केवल टाइम दिया जाएगा, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बातचीत करने का। तो जल्दी से आप लोग जो है इसका आंसर दें, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष का बेस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो बेस्क मताधिकार जो प्राप्त हुआ था मित्रों, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को जो बेस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, वह प्राप्त कब हुआ था मित्रों, 1838, 1881, 1918 या फिर 1932। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष के मताधिकार प्राप्त हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक। जो कानून बना था 1918 में, एक वो हो गया था 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी तक तो जो है से पूरी तरह से वोट देने का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को हो गया था, ठीक है। तो स्त्री एवं पुरुष का बेस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, 1918 ईस्वी में। अगर 1918 रहता है तो उसी को मारिएगा, और अगर 1918 ऑप्शन में ना रहे तो फिर 1928 का मारना है। क्या अगर 1918 अगर ऑप्शन में ना रहे तब क्या मारना है, 1928 ईस्वी को मारना है, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले क्या चॉइस करना है, 1918। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को बेस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था मित्रों, तो 1918 ईस्वी में क्या हो गया था, प्राप्त हो गया था, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है मित्रों, वो कब पारित हुआ था, जल्दी से आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया, जल्दी से बताइए मित्रों, जल्दी से बताइए। बताइए मित्रों, जल्दी से बताइए, आप लोग सही जवाब दीजिए। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों के बेस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर है मित्रों कि इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और अगला हमने क्वेश्चन बताया, कहा कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था मित्रों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो 1881 से बिल्कुल सही जवाब है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है उसे पारित किया गया था, कब किया गया था, 1881 में पारित किया गया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में पारित किया गया था। इस समय जो कार्यकाल था मित्रों, और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, है ना, लॉर्ड रिपन, समझ रहे बात को, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। लॉर्ड रिपन के काल कार्य में ही वो भारत में सबसे पहला बार नियमित जनगणना भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद 10 साल पर जनगणना होती रहती है, कितने साल पर जनगणना होती है मित्रों, 10 वर्ष पर जनगणना होती है। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट का पारित हुआ था मित्रों, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों कि सही उत्तर क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था मित्रों, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जल्दी से बताएंगे मित्रों कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब किया गया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब किया था मित्रों, उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब किया गया, जल्दी से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे।
जल्दी से आंसर कमेंट करें मित्रों। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का जल्दी से आंसर कमेंट करें, जल्दी से आंसर कमेंट करें लाइव चैट में आंसर जल्दी से कमेंट करें मित्रों। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है मित्रों 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। ठीक है ना, स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किया गया था मित्रों 1770 ईस्वी में किया। दसवां नंबर क्वेश्चन बताएंगे मित्रों, दसवां नंबर फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? दसवां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने, जॉन केन ने या फिर टॉमस बेल? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे मित्रों, आखिर फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया तो किसने किया था? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों, जल्दी से आंसर कमेंट करें फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से आंसर कमेंट करें मित्रों कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था मित्रों, जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो किया था मित्रों जॉन केन ने किया था। ठीक है ना, दसवां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जॉन केन ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है से जॉन केन ने कब किया था, ठीक है ना, आपसे पूछिए कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है से कि जॉन केन ने कब किया था, तो 1733 ईस्वी में किया था। कब किया था मित्रों? 1733 ईस्वी में किया था। 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है जॉन केन ने किया था मित्रों। दसवां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जो है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन केन ने कब किया था? 1733 ईस्वी में किया था। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन का, आप लोग जवाब देंगे मित्रों, भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहले जूट मिल जो है मित्रों स्थापित किया गया था कलकत्ता में किया गया था, या दिल्ली में किया गया था, मुंबई में, या फिर पटना में किया गया था? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे मित्रों, बताइए जल्दी कि भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये मैंने क्वेश्चन किया ना, भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करेंगे, भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में जो पहले जूट मिल स्थापित किया गया था मित्रों वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। गर्मा के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो गर्मा के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मित्रों, भारत में जो पहले जूट मिल स्थापित की गई थी वो कलकत्ता में स्थापित की गई थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था मित्रों? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का जो आविष्कार किया था मित्रों, इसको तो मैंने बताया कि भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था? 1855 ईस्वी में किया गया था। आप डेट के साथ याद रखिएगा मित्रों, कब किया गया था, सारा चीज़ याद रहना चाहिए। ठीक है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था मित्रों? अगला क्वेश्चन, अच्छा जूट हो गया तो उसके बाद पावर लूम बच गया ना, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? 12वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से जवाब दें, पावर लूम का आविष्कार जो है से किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार जो है से किसने किया था मित्रों? पावर लूम का जल्दी से आप लोग जवाब देंगे मित्रों, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का जो आविष्कार किया था मित्रों एडमंड कार्ट राइट ने किया था। किसने किया था? एडमंड कार्ट राइट ने किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि पावर लूम का जो आविष्कार जो है एडमंड कार्ट राइट ने तो किया जरूर था, लेकिन किया कब था? तो 1784 ईस्वी में किया था। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा मित्रों कि कब किया था, 1784 ईस्वी में किया था। ठीक है, एडमंड कार्ट राइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था, कब किया था? 1784 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? बोनस भुगतान अधिनियम, ठीक है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? यह भी 2022 के एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था मित्रों? बोनस भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था बोनस भुगतान अधिनियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, आप लोग कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो
तो अगला क्वेश्चन बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट करें और बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है मित्रों। ठीक है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है मित्रों वो जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में है। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है और स्विट्जरलैंड का जो राजधानी है वह बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है मित्रों? बर्न है, स्विट्जरलैंड की राजधानी। ठीक है, बर्न। ठीक है, जिनेवा पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जो है 1919 ईस्वी में स्थापित किया था, है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन 1919 ईस्वी में स्थापित किया गया था मित्रों। इसका मुख्यालय कहाँ में है? जिनेवा में। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सभी दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास प्रत्येक दिन स्टार्ट हो गया है 4:00 बजे और ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।